शाहरुख, सबको ये लगता है कि ओम शांति ओम के वक्त आपने जिस तरह भरमार भर कर दिया था प्रमोशन का, इस फिल्म में ऐसा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? कर तो रहा हूं, बैठा हुआ हूं आपके फेस रिव्यू के ऊपर प्री रिलीज, रिलीज से पहले। सी, हर फिल्म की दो चीजें हैं, एक तो जब हम प्रोड्यूस करते हैं फिल्म तो मेरा मार्केटिंग का एटीट्यूड अलग है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार्केटिंग का गॉड हूं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मार्केटिंग सिखाई और मुझे सचमुच ये लगता है। आपने कहा मैं मार्केटिंग का गॉड हूं, आपको पता है आपकी फिल्में देखकर बाहर आके लोग, काफी लोग ऐसे बोलते ही इज गॉड मैन, तो एक्टिंग के भी? वो मुझे नहीं मालूम लेकिन मार्केटिंग, क्योंकि वो एक चीज ऐसी, एज अ प्रोड्यूसर हमारी दो नौकरी होती है, ये मैंने उसमें सीखा, यश जौहर से सीखा कि एक कि हम फिल्म को पूरे दिल से बनाएं, बिलीफ है तो आप उसको अच्छी तरह से पैसा खर्च करके बनाएं, दूसरा पैसा खर्च किया है तो मुनाफे में नुकसान नहीं देखें, उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो और मैं खुद 31 प्रोडक्ट्स एंडोर्स करता हूं, तो मुझे कई बार लगता है कि जब सारी दुनिया मुझको यूज़ करती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचता? मैं सबको बोलता हूँ कि पेप्सी पी लो, ये हुंडई गाड़ी चला लो, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि यार ये फिल्म देख लो, उस फिल्म में तो मेरा एक्चुअली दिलचस्पी भी है, मैं खुद हूँ, मेरा प्यार है उससे और यही मैं करता हूँ, ये मेरा एक्चुअल धंधा है। सो इसलिए मैंने मार्केटिंग के लिए बहुत नई नई चीज़ें की हैं। वी वर द फर्स्ट वंस टू डू अ सिंगल फिर भी दिल हिंदुस्तानी में, इन हम लोगों को समझ सको, पहला म्यूजिक वीडियो हमने बनाया था, काफ़ी सारे जो एड जो ट्रेलर्स बनते थे, फर्स्ट टाइम आई थिंक यस बॉस के लिए हमने ट्रेलर शूट किया था, किसी ने उठते बैठते हंसते खिलते नाचते कहना पड़ता है यस बॉस, पहली बार हमने शूट किया था, किसी ने ट्रेलर नहीं शूट किया था गानों के पोश। और ऑफ कोर्स ये क्यों है, क्योंकि टीवी आ गया है, मगर हर फिल्म का एक वो होता है, स्पेस होती है कि हम उसको कितने लेवल तक मार्केटिंग करें। बैटमैन को आप यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन यू नो कोई अल्मोदोवार की फिल्म है तो उसकी फीलिंग आपको दे सकते हैं। सिमिलरली चक दे इंडिया के लिए मुझे लगा कि लड़कियाँ मार्केट होनी चाहिए, आपको अच्छी लगें बुरी लगें, मार्केटिंग इज़ बेसिकली इन्फॉर्मिंग द ऑडियंस कि भैया ये प्रोडक्ट, अब आप डिसाइड कर लो, ये सोच के आना कि इस फिल्म में ये होगा, आपको धोखा नहीं देना चाह रहे हैं, मतलब आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा मार्केटिंग 100%। कहानी बता दो, मैं तो मार्केटिंग में सब बताता हूँ, आदि फिर भी थोड़ा सा रोक के रखता है, उसको लगता है इस फिल्म में कैरेक्टर्स कम है तो विजुअल्स जो है, लॉजिकली कि कैरेक्टर्स कम है, ढाई घंटे की फिल्म है तो विजुअल्स जो है थोड़े से कम एक्सपोज करते हैं, जैसे कि ये बड़ा गाना है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन जब वो स्क्रीन पे आता है तो एक होता है ये गाना, अरे ये डिफरेंट एक्टर्स, तो लोग आके बात करते हैं, तो दिखाया ही नहीं अभी तक। अनुष्का का हम अब ये सोच रहे हैं कि कोई उसको जानता ही नहीं, फिल्म देखें तो उससे बात करवाएं। एंड यशराज एनीवे आई थिंक मार्केटिंग जो है एक अपने लेवल से करते हैं। तो इस फिल्म की मुझे लगता है जो स्पेस थी वो ये थी कि एक लेवल पे करें, थोड़ी सी कम इसलिए हो गई क्योंकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया मुंबई में, तो हमको लगा कि बहुत ही वाहियात और घटिया बात कि अगर हम कहें कि यार फिल्म देखो व्हेन such bad things are happening in our country. But ये bad things की वजह से ये bomb attack जो हुए, आपको डर था कि शायद फिल्म को opening जो लगनी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी? मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो डर तो अपने देश के लिए है, तो बहुत तुच्छ होगा मेरे को ऐसा बोलना कि यार हाँ फिल्म का डर था, मुझे तो अपने देश के लिए डर है, अपनी जिंदगी के लिए डर है, अपने दोस्तों की जिंदगी के लिए डर है, देशवासियों के लिए डर है, तो फिल्म उसमें एक छोटा सा हिस्सा है। और कहीं पर हमको ये भी बहुत विश्वास है आदि और मुझको, क्योंकि हमने फिल्में बहुत बनाई हैं, कि फिल्म का तत्व बहुत अच्छा है, लोग आएंगे ही आएंगे, अब 90% आएंगे या 40, मुझे ऐसा लगता है अगर 3 आदमी भी मेरे इंटरव्यू की वजह से सिनेमा हॉल में चले गए हैं तो मैं सचमुच अपना सर झुकाकर उनको सलाम करता हूं, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि इतने बड़े हमलों के बाद आप आए पिक्चर देखें, नहीं, आपको नहीं देखनी तो मत देखें। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझसे पूछा जाए अपने बच्चों को भेजोगे तो मैं सोचता हूँ कि यार पता नहीं, आई थिंक ट्वाइस, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता किसी को, फेयर है, डर है, लेकिन अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो मैं ये गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि आज के ज़माने में और इंशाल्लाह आने वाले ज़मानों में भी ये फिल्म ऐसी है जो आपको कहेगी अरे यार चलो ढाई घंटा कुछ मज़ा आ गया, क्योंकि कॉमेडी बहुत है, एंटरटेनमेंट बहुत है, जैसे आपने कहा हमें लगता है कहानी बहुत नवीन और नई है, और कई लोगों ने मुझे कहा ये थोड़ी ओल्ड फैशन है, लेकिन नहीं, ये स्मॉल टाउन की है, स्मॉल टाउन में यही फैशन है, यही कपड़े हैं, यही रंग ढंग है, यही बातचीत है अभी भी, और मैंने देखा हुआ है, मैं खुद चाहे दिल्ली से हूँ लेकिन मैं बड़ा ऑर्डिनरी इंसान हूँ और बहुत ऑर्डिनरी लोगों के साथ पला बड़ा हूँ।